हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है। पॉजिटिविटी बनाए रखो यार, क्योंकि नेगेटिव लोग तो बहुत आते हैं। और जितने भी मूवी शूवियंस हैं उनको थैंक यू वेरी मच टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ दिस फोरम। और जो लोग डेकोरम नहीं फॉलो करते हैं तो हम बदतमीजी तो कोई करते ही नहीं है, लेकिन हमें आती बहुत अच्छी है, शायद आपसे भी अच्छी आती होगी। हम दिखा भी देते हैं कि फिर हमें कितनी अच्छी बदतमीजी आती है कॉमेंट्स के अंदर। एक कॉमेंट मुझे आया था बिफोर आई गिव यू द अपडेट कि भाई तुम अपने सब्सक्राइबर से ऐसे कैसे कह सकते हो। अगर कोई सब्सक्राइबर मेरे को गाली देगा तो उसको 2 नहीं 1000 गाली भी साथ में पड़ सकती है। पंजाबी हूं, दिमाग खराब करने का नहीं है, ठीक है? इज्जत है, इज्जत ले लो और उसके बाद काट लो। और उसके बाद बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं चलती है। कमेंट में डिलीट कर देता हूं, ब्लॉक कर देता हूं। मेरी लिस्ट में सब्सक्राइबर कम और ब्लॉक लिस्ट ज्यादा है, ठीक है? तो बदतमीजी बिल्कुल नहीं चाहिए। जो लोग अच्छे से अच्छी फैमिली से आते हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे लोग हैं और इस तरीके के लोग हैं जो जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना चाहते हैं, पॉजिटिविटी रखना चाहते हैं, हमेशा अपने मुंह पे स्माइल रखना चाहते हैं, मुझे सिर्फ उन मूवी शूवियन से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। इसमें कोई एरोगेंस नहीं है, ये माइंडसेट की बात है। आप जब अपने दोस्त उसी तरीके के बनाते हो जिस तरीके के आप खुद होते हो। पंगा लेने का नहीं है, लेकिन अगर दिमाग खराब होगा तो सटकेगा भी सबसे ज्यादा। अब शुरू करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी मूवीज हैं, वेब सीरीज है जिसका बहुत इंतजार हो रहा है। तो 6 अपडेट निकल के आए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। असुर 2 का अपडेट है कुछ, हाँ मतलब फाइनली कुछ तो अपडेट है। भेड़िया का है, फिर चल मेरे पुत्र 2 और 3 का है, द लेजेंड ऑफ मूला जट का है जो कि पाकिस्तानी मूवी है और 200 करोड़ कर लिए है इसने, तो क्या ये इंडिया में रिलीज होगी। द लेजेंड ऑफ हनुमान का सीजन 3 का क्या अपडेट है, और साथ ही साथ में विक्रम विदा का क्या अपडेट है। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि यार विक्रम विदा का जो है प्लेटफॉर्म ही अनक्लियर है आज के टाइम में भी, क्योंकि ये आनी थी वूट के ऊपर और वूट का सब्सक्रिप्शन बेस इतना ज्यादा है नहीं। जो कन्फ्लिक्ट है वो यही है कि अगर हम वूट पे इसको रिलीज करते हैं तो इतना ज्यादा लोगों तक ये पहुंचेगी नहीं, और उतना जो वैल्यू उसकी लगाई गई है OTT के ऊपर वो वैल्यू उसको मिलती नहीं, तो जिसकी वजह से कॉन्वर्सेशन अब नेटफ्लिक्स के अलावा Zee5 से भी हो रही है। लेकिन अब चाहे वो Zee5 के ऊपर आए चाहे वो नेटफ्लिक्स के ऊपर आए, आपको ये फटाफट से देखने को मिल जाएगी mid-January तक। अगर बाई चांस आप विक्रम विदा 2022 गूगल करोगे तो आपको कुछ Zee5 की टेक्स्ट एड्स भी दिखनी शुरू हो जाएंगी, एंड वन कैन यूज द टेक्स्ट एड ओनली इफ दे आर कॉन्फिडेंट दैट दे विल बी एबल टू शो दैट मूवी। खुद करके देख लेना, वैसे मेरे पास स्क्रीनशॉट है, कहोगे तो मैं अलग से कम्युनिटी पेज पे भी डाल दूंगा। अब अगर हम बात करें चल मेरे पुत्र 2 और 3 की, ये डोल्ड्रम्स में जा चुकी है। इसका अपडेट मेरे से मत ही पूछो तो अच्छा है, क्योंकि मैंने हर तरीके से हर इंसान से पूछ के देख लिया, इसका कोई अपडेट नहीं है। किसी वजह से ये अटकी पड़ी है ये मूवी, क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी हैं। तो अभी इसके ऊपर बिल्कुल चंद्रबिंदु होता है ना, फुल स्टॉप जिसे बोलते हैं, सॉरी पूर्ण विराम लगा दिया गया उसके आगे। अब इसके आगे कोई अपडेट नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। द लेजेंड ऑफ मौला जट का जो इंडिया रिलीज है वो भी डुबियस है, क्योंकि वो पाकिस्तानी इसमें आर्टिस्ट हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश करी जा रही है कि किसी तरीके से गेट्स जो हैं मूवीज़ के खुलें, और इंडिया की मूवीज़ तो वहाँ रिलीज़ होती नहीं है, बट यहाँ पर शायद ऐसा पॉसिबिलिटी लग रही है कि 23rd of December को ये यहाँ पर इंडिया में रिलीज़ हो जाए। और अपडेट जैसे ही आएगा मैं आपको बताऊँगा। अगर ये 23rd of December में आती है तो ये सर्कस से कम्पीट करेगी। क्या सर्कस जीतेगी, क्या या द लेजेंड ऑफ मौला जट जीतेगी, क्योंकि वो पाकिस्तानी मूवी है। आई डोंट नो, आई विल प्रेफर एन इंडियन मूवी इवन इफ इट इज सुपर बैड, ठीक है? तो उसके आगे चलते हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 3 की तरफ। इसके भी 13 एपिसोड आएंगे, और 13 एपिसोड के साथ आपको बहुत अच्छे तरीके से जो हनुमान जी हैं वो लंका पहुंच चुके हैं, वहां पर क्या कुछ करेंगे, श्री राम जो है ट्रू मीनिंग अपना यहाँ पर दिखाएंगे। क्योंकि बहुत से लोगों का सवाल आता है कि जब हनुमान जी लंका में पहले भी जा चुके थे तो ईजिली सीता को ला सकते थे, तो लेकिन ये सिग्निफिकेंस क्या है, रामचंद्र जी क्यों पूरी लड़ाई लड़ के इतने सारा कुछ होने के बाद क्यों लेके आए थे, वो क्या ऐसा एक हमें मैसेज देना चाह रहे थे, वो आपको इसमें क्लियर होगा। ये अक्टूबर में रिलीज होनी थी टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब ये पुश हो चुकी है February 2023 के अंदर। जो भी ये सब हुआ है ऑफ लेटली भगवान को लेके, किस तरीके से सीरीज को देखना चाहिए, जो नजरिया है कंटेंट की तरफ थोड़ा सा बदल गया, जिसकी वजह से लोग कॉशियस हो गए हैं, और कॉशियस इतने ज्यादा हो गए हैं कि इवन असुर के साथ भी सेम प्रॉब्लम है। कुछ कुछ कंटेंट पीसेज इसके अंदर ये थे जो ऑब्जेक्शनेबल थे, ये मेरे को किसी ने बताया है, अब मैं सोर्स का नाम नहीं ले सकता, बहुत रिलायबल सोर्स है, लेकिन ये March 2023 के आसपास की डेट इसकी निकल के आ रही है। ये अभी काफ़ी ज़्यादा डिफर है, हो सकता है कि इसके कुछ कुछ पार्ट्स आपको दोबारा से शूट हो रहे हैं जो आपको पता भी नहीं चलेगा, शायद पीछे से हो आ भी जाएंगे, क्या होगा। ऐसा नहीं है कि ये फुल कंक्लूजन इसका हो चुका था कि एडिट टेबल पर यह जा चुकी है, एडिट टेबल पर तो ये जा चुकी थी जून जुलाई के अंदर, उसके बाद पूरा रीवर्क इसके ऊपर शुरू हुआ।
कंसिडरिंग वही कि जैसे आदि पुरुष वगैरह काफ़ी सारी मूवीज है जिनके ऊपर फिंगर पॉइंटिंग होनी शुरू होगी। उसके बाद बात करें भेड़िया की, तो भेड़िया आएगी भैया जियो सिनेमा पे और ये मिड ऑफ जैन में आपको देखने को मिलेगी। 13th of January 2023 टेंटेटिव डेट इसकी रखी गई है। तो होपफुली इसे आपको क्लैरिटी आ गई होगी और जो भी आपको पसंद है वो आप इसको मार्क कर सकते हैं। एक आधी डेट इधर उधर मैक्सिमम हो सकता है किसी वजह से कोई एक आधा हफ्ता ऊपर नीचे हो जाए, बट इसी के इन एंड अराउंड ही आपको ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। बाकी जल्दी मिलते हैं दोस्तों, स्टे पॉजिटिव स्टे हेल्दी, और अगर वो पंगा ले तो छोड़ने का भी नहीं है, लेकिन फिर जितना तमीज़ में रह सकते हो उतना तमीज़ में रह के। बाय बाय।